ध्यान और प्रार्थना सितंबर 1914। हे दिव्य जननी, कि आकुलता कि ज्वलंत प्रेम सह तोर गभीरतर चेतना तोर से ही परम प्रेम तथा पूर्णानंदर उच्च स्थिति आड़क धावित हो आसी सेठारे एपरी गभीर और तीव्र प्रेमावेगरे तो बाहुपाशरे संलग्न हो जाइथिले जे शेषे मु संपूर्ण भाव तुही हो जाइथिले। तापरे आम मानकर मुक रभसर निरभतार गभीरतर प्रदेशरु एक कंठस्वर उठी आसिला एवं ताहा कहिला, से मानक आड़क फेरी छिड़ा हो जो मानक पाई तो प्रेमर प्रयोजन अछि। सेतेबेले चेतनार समस्त स्वप्नावली क्रमान्वयी समस्त जगत देखागला। सेथिमध्येरु केतेक प्रज्वल ज्योतिर्मय सुव्यवस्थित सुपरिच्छिन्न सेठारे ज्ञान भास्वर प्रकाश उदार और सामंजस्यपूर्ण संकल्प शक्तिशाली और अजय। किंतु ताहा परर जगत सकल अंधकार छन्न हो उठिला, क्रमे क्रमे बहु विच्छिन्न और विशृंखल हो चलिला। सेठारे कर्मशक्ति धारण करा रुद्रमूर्ति एवं जड़ जगत हो उठिला तमसाच्छन्न और दुखमय। तापर जेतेबेले आमे दुई जन आमर असीम प्रेम मध्य देई अज्ञान अभावग्रस्त पृथ्वीर दारुण दुख सर्वांगीन रूपे हृदयंगम कलु, जेतेबेले आमे देखिलु जे आम संतान गण घोर संग्रामरत एवं सेमाने विपथगामी शक्ति द्वारा परिचालित होई परस्पर को आक्रमण करुछन्ति, सेतेबेले आमे तीव्र भावे अभिप्सा कलु दिव्य प्रेमर ज्योति प्रकाश निमन्ते गोटे रूपांतरकारिणी शक्ति निमन्ते जहाँ एही विशृंखल उपादान राजीर केन्द्ररी आविर्भूत होइपारे। हे अचिंत्य परात्पर तत्परे भागवत इच्छा शक्ति जेपरी आहुरी सबल आहुरी सफल हो उठे सेथिपई आमे तो आड़कु फेरिथिलु एवं तोर सहायता निमन्ते प्रार्थना करिथिलु। सेही अज्ञेयर अतल गभीरता मध्यरु एक समुद्दात ओ दुर्निवार प्रत्युत्तर शुणिबाकु पाइलु एवं सेतेबेले आम्हे माने बुझिपारिलु जे पृथ्वी रक्षा पाइगला।